चर भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियां। आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना, शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो ये वाकया में बॉलीवुड के बादशाह है। सर, घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा मतलब बादशाह बनेगा? नहीं नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा, जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, नर्स ने रखा। मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं। भाई, एक आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो 200, 300, 400 करोड़ तो होता ही आपका। नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। भाई, वो लड़के को जानते हो, ये जो बड़े से मुंह वाला बैठा है, ये जो हाथ हिला रहा है? मतलब जानना चाहिए मुझे? सर, पहचानना चाहिए सर। हाँ, मैंने पहचान लिया, मैंने तभी थोड़ी नासाज है इसलिए थोड़ा पहचानने में टाइम लगा। मैं रॉन्ग लड़के को देख रहा था पीछे, सॉरी। पर ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि ये मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा। राजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर, हम रईस देखने बहुत ही चाव से आ रहे हैं, क्योंकि आप एज यूजुअल यू आर रॉक स्टार, यू आर सुपरस्टार ऑफ इंडिया आफ्टर राजेश खन्ना साहब। You are the rock star, आज मैंने देखा superstar। ये बड़ा बहुत गलत आदमी है, ये ऐसे बोलता नहीं, पर आज वैसे ही आपको देख के आपका हो रहा है ऐसा ना। हाँ, मतलब मुझको इसने फिल्म बड़ी अच्छी बना रहा है, अच्छी पिक्चर बना रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करके। वैसे मैं अगर दोस्त ना होता तो इट्स टफ टू वर्क विद कपिल शर्मा। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। मतलब परेशान करता है ना, स्टार की तरह बिहेव करता है, स्टार बिना हुए ना। मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसा। नहीं नहीं, बोल दे, अभी तो कितनी, अभी तो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, अब निकाल नहीं सकता तेरे को। क्या बोलना चाहते हो राजीव, आप मेरी फिल्म? ऑल द बेस्ट फॉर रईस। और फिरंगी फिल्म आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। और थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं रईस देखू ना देखू, फिरंगी जरूर देखने आऊंगा, और आप सब लोग भी प्लीज फिरंगी देखने जरूर। यू आर अ बिग मैन, यू आर अ बिग मैन। कुछ और कहना चाहते हैं राजीव? मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि रईस की बात होनी चाहिए, तो मैं तब बोलूंगा जब फिरंगी रिलीज होगी। भाई, मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं जी, आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियां भाई की डेयरिंग दिखानी है। ओके, ये आप देखिए आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप। नहीं नहीं, तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है, तू तेरे इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूं। तो सीरियसली कह रहे हैं? नहीं नहीं, सीरियसली हैं आप? मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं? सॉरी, इट्स वेरी चीप काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट चीप एक्चुअली, इट्स अ नेचुरल कॉल। मतलब तेरा टाइप का क्वेश्चन है, चीप थोड़ा होगा, मैं समझ गया, पूछ तो, फिक्र मत, पूछ तो। आई मीन, आप अपने फैंस के बीच में गिरे हुए हो और आपको बहुत तेज नेचुरल कॉल उंगली आ रही है। नहीं, उंगली नहीं आ रही है, मतलब लिक्विड टाइप जो होता है। अच्छा, इससे अच्छा मैं सीधे ही भूल देता। तो आप फैंस के बीच में घिरे हैं, तो आपको एक नंबर की तलब लगी, तलब नहीं लगती, मतलब वो लगा, तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे के मियां भाई की डेयरिंग से थोड़ा रोक सकते हैं? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे। मेरे साथ असली में ही हुआ था एक बार, मैं एक बार जयपुर गया था। अच्छा। और ऐसे ही फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे, और मैं, मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे, तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो, लेकिन मुझको वही नंबर वन होने की जो तलब है। अच्छा। तो मेरी वो नंबर वन होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहाँ पर। तो मैंने कहा भी मैं क्या करूं क्या करूं ऐसा करके, तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह, कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी। तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत आप लोग बाहर जाके प्लीज। हाँ। नहीं नहीं, घर की बात घर में रहेगी। हाँ, यहीं पे रखना, बिल्कुल। खाली 150 करोड़ लोग देखेंगे, बाकी नहीं नहीं। और आई मीन, वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को 150 करोड़। और आगे ये मंगोलिया जाएंगे बताने भाई, इधर ही है सारे, इंडिया में रहने बात, ठीक है, बाहर ना जाए। तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते, यू नो, पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। हाँ। तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ना, अपना
बात बात करते 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 मैंने मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन, मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी, वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता, मैं बनिया का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। इससे बेहतर कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँ। मैंने पूछा तो आपने मेरे को चीप बोल दिया, अभी ये हरकत सही थी आपकी बॉटल वाली, मतलब इतना मतलब नहीं, मैंने बनने का दिमाग यूज कर लेते थोड़ी देर। यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है, और मैंने ऐसा किया है तो मुझे माफ कर देना यार, अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दिया है तो करना ही पड़ता ना यार। पर देख ऊपर वाले की माया देखो, एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान और हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। देखा ओके भाई, अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कोई रहे में आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है, तू करता होगा? नहीं नहीं भाई, मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में चार हीरोइन थी ना, कोई नहीं, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन। तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको। नहीं भाई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे 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 तभी हम काम करेंगे। तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है इसलिए वो ऐसा बोलती है। तेरा दिन खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। ऐसे पोल कैन बी माई फ्रेंड। पोल मत करना, पोल मत करना, भाई बना लेंगे सबकी सब। सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई, फिक्र मत कर, सब बनाएंगी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, मजाक अपनी जगह, ये लड़का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसने बहुत अच्छी फिल्म शूट की है। क्लोजअप क्लोजअप, मेरी अपनी फिल्म का प्रमोशन है भाई साहब। अच्छा है आदमी जो क्रिएटिव आदमी जो होता है बैक स्टेज रहता है उस, तब इसका बड़ा दिमाग चलता है, आज कैमरा देख के ना मुंह पे जुबान ही फिर जा रहा है। राजीव आई एम प्राउड ऑफ यू। फिरंगी 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 K9 Films present Firangi, जिसमें कपिल एक्टिंग कर रहे हैं और राजीव जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका चेहरा आप देख चुके हैं और जिंदगी भर ये चेहरा याद रखेगा। और बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेहरे वाले डायरेक्टर हैं। सॉरी यार तू तो मेरा भाई, तेरे को प्रॉब्लम नहीं, अभी आगे भी फिल्में करनी है इसलिए गुस्सा नहीं करना। तो भाई अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो, पूरा मूड में है, ऊपर से गौरी भाभी आ गई। ऊपर से कहाँ से, छत से आती हैं? I mean, साइड से आ गई। हम तो नॉर्मली आती है ना, तो मेरी बीवी है, छत से उड़ के आ रही है, तो ऊपर से आ रही है, तरापे पे आ रही है मेरी बीवी। शाहरुख खान की बीवी आ भी सकती हैं। हम तो तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है। तो गौरी भाभी आ गई। तो गौरी भाभी आ गई, तो आप वो सीन थोड़ा मान लो ज्यादा रोमांटिक है, वो गर्दन के पास जो आप ऐसे ऐसे करके निकलते ना, मुझे आज तक नहीं पता चला क्या करके निकलते, बड़ा मजा आता देख के। वो आप कर रहे हो, ऊपर से भाभी आ गए, तो आप वो सीन करोगे, मियां भाई की डिग्री रखोगे कि बनिया बन जाओगे उस समय? आई डोंट नो, तूने क्लोजली देखा नहीं है, तू सिर्फ गर्दन को ही देख रहा था। तूने नोट किया होगा कि मैं कोई भी ऐसे सीन जो है यहाँ पे करता ही नहीं, इंडिया में आउटडोर में करता हूँ सारे के सारे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates